इस महाराजगंज की सरजमीन पर दूर दराज से आए हुए हमारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों माताओं इस मंच पर बहुत ही जिम्मेदार बुजुर्गों हम सरपरस्त दोस्तों तकलीफ तो बहुत है कहाँ से शुरू कर आपको बताऊं कि जिस हालात में इलेक्शन होने की स्टार्ट हुई हम लोग उम्मीद लगाए थे कि भाई ठीक है समाजवादी से चुनाव लड़ना है जाहिर सी बात है कि जेबा बहुत मजबूत थी पहले चुनाव में बहुत मजबूत थी जो चुनाव लड़ी तो सेकंड पोजीशन पे थी ये सभी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा जाहिर सी बात है साजिश करना उन्होंने शुरू किया और उस साजिश में सबसे पहला तो उन्होंने टिकट कटाने की साजिश की दोस्तों टिकट कटाने के लिए जिस केस में रखा गया है उसकी नवयत से आप लोग पूरी तरीके से वाकिफ हैं बेखता कसूर खुदा गवाह है इस बात को मैंने इस मामले में सफाई के लिए हलफ ले लिया तो उसके ऊपर भी मुझे झूठा बताया जा रहा है दोस्तों लेकिन आप बताइए कि क्या मैं आपके सामने किस बात को लेकर सफाई देता हूँ वहां जेबा ने कहा कि भैया हम बेगना कसूर है सांसद जी ने कहा हम लोग बेगना कसूर है हम कैसे अपनी सफाई देंगे उन्होंने कहा मेरी तरफ से आप कसम खा लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह निकल के आऊंगा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कौन सी वैसी बात दोस्तों जी दोस्तों मंच से कहा जा रहा है कि हम लोग कातिल हैं और वो कह रहा है कातिल जो खुद कातिल था कुछ छुपा नहीं आपसे ऐसा नहीं है कि वो पाक साफ थे हमारी बहन कहाँ कातिल हो गई हम आपसे आपके उस पर अदालत की जनता की अदालत में दे रहे हैं कौन सी बहन हमारी कातिल हो गई क्या कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि बाप बेटी और दामाद एक किसी साजिश के लिए कोई बाप कोई बेटी ऐसा हो सकता है कि मर्डर के लिए साजिश करे ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा दोस्तों जिस तकलीफ में वो लोग थे हम जेल मिलने गए हम बयान नहीं कर सकते हैं कैसे हालात थे क्या था हम क्या बता दें आपसे बात आई इलेक्शन लड़ने की हम लोग थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि जब सांसद जी नहीं रह गए जेल चले गए जेबा नहीं थी रमीज नहीं थी तो बहुत थोड़ा सा ये मंतव्य रहा था कि कैसे इलेक्शन होगा लेकिन खुदा गवाह है जेबा को अपने आप लोगों के ऊपर इतना भरोसा था कि भैया कुछ नहीं आप जाइए सिर्फ नॉमिनेशन कराइए इलेक्शन आप जाइए नॉमिनेशन कराइए इसके बाद आपका इलेक्शन जनता लड़ेगी हमारे लोग लड़ेंगे हमारे भाई बहन माँ बाप सब वहाँ और उसके बाद का रिजल्ट ये है कि हम लोग फील्ड में निकलते हैं तमाम ऐसी जगहों पे हम लोग पहुंचे हैं जहां लोगों ने कहा कि बेटिया आई थी बहनी आई थी तो दोस्तों 5 साल उसने वक्त दिया था और मेरी गुजारिश ये है कि कोई ऐसी बात तो है नहीं अरे भाई जेबा 5 साल अपना पूरा कैरियर छोड़ के आपके बीच में थी बगैर किसी पद के और अगर अल्लाह ने आप लोगों की मेहनत मेहनत से हर वर्ग का उतर जुड़ रहा है सभी लोगों की मोहब्बत से अगर वो कामयाब होती है इंशाल्लाह तो जाहिर सी बात है कि आपके बीच में रहेगी फिर उसको कहां छोड़ के जाना है जब बगैर पद के वो 5 साल रह सकती है तो फिर दोबारा नहीं उसको छोड़ के नहीं जाना है जहां तक के दोस्तों बुजुर्गों भाइयों लोग बहका रहे हैं कि उनके पास दूसरे वर्ग का वोट नहीं है तो क्योंकि भाई मैं पेशे से वकील हूं मैं नजीर के साथ आपसे कहूंगा 89 के इलेक्शन में किसी ने ये सवाल नहीं किया था कि आपको कौन सा वोट मिलेगा और आप ही लोगों ने दिया था और आप ही लोगों ने जिताया था सांसद जी को जहां तक कि जेल में रहने जाने की बात है 93 में आप ही लोगों ने मुझे याद है कि सिर्फ मेरी मुलाकात होती थी नशे लगे होने की वजह से मैं वहां से आता तो लोग सिर्फ खरीद पूछ के और पूरा पूरा चुनाव जनता ने लड़ा दिया था आज वही हालात है इससे पहले जमाल मर्डर में भी एक मुद्दा फंसाया गया था किसी तरीके से 91 में तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है नॉमिनेशन करने के तो उनको पूरी तरीके से जब मौका मिलता है तब इस साजिश के तहत जिला पंचायत में एनएसए लगा दिया गया टारगेट उनका उसी वक्त हो चुका था कि साल भर के लिए इनको अंदर रखा जाए लेकिन आप लोग की मोहब्बत है आप लोग की दुआएं थी कि 21 दिन में वो बाहर आ गए तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा बस इतनी गुजारिश है कि अपनी बहन अपनी बेटी जेबा के लिए दुआओं के साथ 3 तारीख को जाकर बहुत जिम्मेदारी से वोट दें और उसकी तकलीफ उसके जो दर्द है उसको इंशाल्लाह वो अपनी तकलीफ आपको इंशाल्लाह आपके बीच में आके बताएंगे सभी के साथ खुदा हाफिज़ विजय तो रिजवान जय।